हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए कही हूँ शैम्पू स्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। वो क्या प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में जब न्यू पार्लर होते हैं, जब हमने न्यू पार्लर रन किया है, तो मान लीजिए हमारे पास शैम्पू स्टेशन है, मेरे पास बहुत सारे से रिलेटेड कमेंट्स आते हैं कि शैम्पू स्टेशन है लेकिन हमारे पास वाटर सप्लाई की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। कैसी प्रॉब्लम कि बिना टूट फूट के हम डायरेक्ट जो है वाटर टैंक से कनेक्शन नहीं ले पाते, और किस तरह से जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती है कि पानी को किस तरह से ड्रेन किया जाए, बाहर जो वेस्ट वाटर होता है जो आता है उसको किस तरह से ड्रेन किया जाए, बाहर जाए वाटर, और नेक्स्ट की जो हमारा शॉवर होता है उसमें किस तरह से वाटर लाया जाए, जबकि हमारे पास वाटर का कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन वाटर टैंक से नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रहती हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी और ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉर्ट आउट करने जा रही हूँ आपकी, कि आप किस तरह से इसको जो है हैंडल कर सकते हैं बिना किसी वाटर कनेक्शन सप्लाई। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा शैम्पू स्टेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करना है, तो किस तरह से करूँ। अब देखिए, वाटर सप्लाई फिलहाल मैंने कोई रिप्रेजेंट नहीं की हुई, डायरेक्ट वाटर कनेक्शन कहीं भी नहीं है। तो क्या करना है, आपने क्या लेना है, एक बकेट लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास है यहाँ पे एक बकेट, इसमें मैंने यानी बकेट थोड़ी अच्छी साइज की ले जिसमें अच्छी क्वांटिटी आ जाए पानी की, जिसमें आप फिल कर सके सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है ताकि मैं आपको समझा सकूं। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे जो ये देखिए ये ली है मोटर। ये कौन सी मोटर है, ये वो मोटर है जो कि हम कूलर्स में यूज करते हैं, ये पानी को ऊपर उठाती है। इस मोटर का कनेक्शन हमने इस पाइप के थ्रू यहाँ पे शोवर के साथ दिया है। आप देख रहे हैं, ये देखिए इस शोवर के साथ यहाँ पे ये कनेक्शन दिया है इस पाइप के थ्रू। ये जो मोटर है इसकी एक साइड जो कि वायर वाली साइड होती है, इस साइड को हमने कनेक्ट कर दिया है एक डायरेक्ट स्विच से। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट स्विच है जिसका कनेक्शन दिया है। अब इस मोटर को आपने क्या करना है, एक साइड आपकी शॉवर के साथ है, एक साइड आपका स्विच है, इसको आपने पानी में डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको पानी में डाल दिया, यानी कि बकेट इतनी होनी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी जिसमें पानी की आ जाए। कमी इतना पानी होना चाहिए कि आप वन टाइम का हैंड वॉश प्रॉपरली नीट एंड क्लीन फॉर्म में कर सके, इतना वॉटर यानी इतनी बड़ी बकेट होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि जो आपने मोटर यूज की है ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये कंपनी की होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी क्वालिटी की और कंपनी की, और लेमिनेटेड ले। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इस पाइप के थ्रू जो है इस शॉवर में पानी आएगा। नेक्स्ट आपकी ये जो वायर है ये भी प्रॉपरली अच्छे से कवर होनी चाहिए, और साथ में क्योंकि ये जो है आप डायरेक्ट वाटर का कनेक्शन दे रहे हो, तो इस वजह से आपको ये हैंडल प्रॉपरली करना है और अच्छी क्वालिटी की वायर का यूज करना है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई भी वरना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब काम करने हैं, और प्रॉपरली इस पे वायरिंग पे भी प्रॉपर लेमिनेशन होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये जो इस पे हम वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जो जहां पे हमारा वाटर आएगा, नेक्स्ट ये जो है ये ऑन और ऑफ का है वाटर के लिए, लेकिन इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट कनेक्शन दिया है, इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है किसी के भी साथ। नेक्स्ट अब आपको फ्रेंड्स, शैम्पू स्टेशन के नीचे एक ड्रेनेज का पाइप होता है। अब मैंने क्या कहा, पाइप है लेकिन हमारे पास ड्रेनेज का भी कोई कनेक्शन नहीं है कि हमारा जो पानी है जो शैम्पू स्टेशन से जाएगा वो ड्रेन कहाँ होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेपरेट पाइप लेना है और इस सेपरेट पाइप को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, अच्छे से इसको कनेक्ट कर दीजिए। और ये जो पाइप जो हमने कनेक्ट किया है ये जाएगा डायरेक्ट बाहर, ठीक है ना, ड्रेनेज जहां पे आपको करनी है, ये इतनी इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट सप्लाई इसकी बाहर जाए, और जितना भी पानी होगा वो सारा बाहर जाएगा, यानी कि आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम जो हो गई वो सॉर्ट आउट हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके वर्किंग पे कि अब ये वर्क कैसे करेगा। सो फ्रेंड्स, अब आपकी है सप्लाई किस तरह से आएगी। तो अब आपने क्या करना है, ये जो स्विच हमने छोड़ा था ना, ये वाला स्विच जो हमने लगाया है, इस स्विच को आपने सप्लाई में लगाना है,
फिलहाल सप्लाई में डायरेक्ट लगाना है, फिलहाल बटन ऑफ है, ठीक है, फिलहाल बटन क्या है, ऑफ है। अब जैसे ही आप बटन ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी सप्लाई होगी। अब देखिए मैं बटन ऑन कर रही हूँ, ये देखिए मैंने बटन ऑन किया, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर सप्लाई हो रही है, यानी कि हमारा जो शॉवर है वो काम कर रहा है। इसमें फंक्शन क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने सप्लाई दी, पंप जो हमारी मोटर है उसने वाटर पंप करना स्टार्ट किया, और वो जो पंप करके इस पाइप के थ्रू इस शॉवर में आ रहा है, और ये जो पानी है जो हमारा शैम्पू स्टेशन में जा रहा है, ये हमारे ड्रेनेज पाइप के थ्रू जो हमने बाहर छोड़ा हुआ है उसके इस पाइप से निकलकर सारा पानी बाहर जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है ये फंक्शन जो है वो कर सकते हैं, जो वाटर सप्लाई बिना किसी तोड़ फोड़ के कर सकते हैं। अब आपने ये बंद करना है तो कैसे करोगे, इसको बंद करने के लिए आपने जस्ट ये जो बटन ऑन किया था इसे ऑफ कर दें, और ये हो गई है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। यहाँ पे हो गया है पानी। इस तरह से आप तो अपने शैम्पू स्टेशन की जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है बिना किसी तोड़ फोड़ के आप कर सकते हो, और ये बहुत ही इजी वे है। जब स्टार्टिंग में मैंने अपना पार्लर रन किया था तो मैंने यही फंक्शन किया था, अपने शैम्पू स्टेशन के साथ यही कनेक्शन दिया था, इसी तरह से ही सारा सेटअप किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपने वाटर से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन्हें हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, और आप किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं ये आपको सोचना पड़ता है। तो मैंने तो ये फॉर्म यूज़ किया, अब आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।